मैंने बोला क्या पाप है दारू पीने में भाई। तो कह रहा यार बोलते इसमें वाइन है, तो मैंने बोला चल यार इसी शौक से मैं भी बैप्टिज्म ले लूं। याद रखना जो अनजाने में यीशु मसीह की बुराई कर रहा है उसके पाप क्षमा हो सकते हैं, लेकिन जो जानने के बाद भी उसके उसको तुच्छ जान रहा और गलत बोल रहा है उसके पाप क्षमा नहीं किए जाएंगे। दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते ही होंगे कि अभी हाल ही में एक्टर गोविंदा की पत्नी का एक वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था, जिसमें उन्होंने एक पॉडकास्ट के दौरान अपना एक रियल लाइफ किस्सा सुनाया था, जिसमें वह बता रही थी कि उन्होंने कहीं से सुना था कि चर्च में वाइन यानी कि शराब पिलाते हैं और इसे पीने के लिए उन्होंने अपनी कई फ्रेंड्स के साथ बपतिस्मा भी ले लिया और मजाकिया तरीके से इस सब के बारे में उन्होंने बताया, जिसको लेकर कई नॉन बिलीवर्स ने जब इस वीडियो को देखा तो उनके धर्म को लेकर कई तरह की टिप्पणियां भी की। लेकिन दोस्तों बाइबल में प्रभु यीशु मसीह के बलिदान और उनके लहू और जी उठने की सामर्थ के बारे में बहुत ही अच्छे से बताया गया है, लेकिन कई बार जो इस सबसे अनजान होते हैं और बाइबल को नहीं पढ़ते तो वह दूसरों की मनगढ़ंत और सुनी सुनाई झूठी बातों पर विश्वास कर लेते हैं जो कि क्रिश्चियनिटी को लेकर उन्हें बताई जाती हैं, और यह बिल्कुल ही गलत बात है क्योंकि इससे उनके अंदर गलत धारणा बन जाती है। लेकिन दोस्तों मैं प्रोफेट बजिंदर सिंह जी की एक वीडियो क्लिप आपको दिखाने जा रहा हूं, जिसे हर एक मसीह के वचनों और बलिदान से अनजान इंसान को ज़रूर देखनी ही चाहिए और सुनना चाहिए कि उन्होंने क्या बताया है, फिर चाहे वह कितना भी बड़ा सेलिब्रिटी ही क्यों ना हो तो इस वीडियो को उसे ज़रूर देखना चाहिए। तो आइए दोस्तों हम देखते हैं इस वीडियो क्लिप को और जानते हैं कि प्रोफेट बजिंदर सिंह जी ने क्या बताया। यहाँ पर यीशु मसीह की कील क्यों ठोकी गई? लोग गलत सोचते हैं कील ठोक दी ठा इसके हाथों के अंदर से, और उसी समय जब ठोका तो उसी समय यीशु मसीह कह रहा था प्रभु ये नहीं जानते क्या कर रहे हैं, इनके पाप क्षमा कर, कहता बच्चे। और एक आया थूक रहा था, कहते ये नहीं जानते क्या कर रहे हैं। एक आया उसने पेट में भाला मार दिया, कहता यीशु मसीह ये, कहता प्रभु ये नहीं जानते परमेश्वर क्या कर रहे हैं, कितना बड़ा गुनाह कर रहे हैं बच्चे। याद रखना जो अनजाने में यीशु मसीह की बुराई कर रहा है उसके पाप क्षमा हो सकते हैं, लेकिन जो जानने के बाद भी उसके उसको तुच्छ जान रहा और गलत बोल रहा है उसके पाप क्षमा नहीं किए जाएंगे। पवित्र आत्मा कह रहा जो पवित्र आत्मा के विरोध में बोलते हैं वो क्षमा नहीं होता। सुनो और इसी समय ये कीलें लगाने का मतलब क्या था, कहता जिस आदमी ने यहाँ पर एक परमेश्वर से बातचीत हो रही थी ऊपर की ओर देख कर, इसका मुंह पहले ऊपर था ऐसे, कितना ने देखा है क्रूस पर ऐसे और ऐसे रखे मुंह अभी, ये क्या बात कर रहा था जब इसको कील डाल रहे थे पुलिस वाले सैनिक, और उसी समय ये कह रहा था परमेश्वर जो मेरे हाथ से खून गिरा है एक बूंद गिरी है तो इनके पाप क्षमा कर। कहता जो हाथों से ठगी करते हैं मारते हैं पीटते हैं कोई गुनाह करते हैं पाप करते हैं शराब पीते हैं हाथ से करते हैं, हाथ के पाप क्षमा हुए, पैरों पर कीले गाड़ी गई पैरों से खून निकला परमेश्वर इनके पाप क्षमा कर जो इनके पैरों से किए गए हैं। परमेश्वर कहता है इनके दिमाग के पाप क्षमा कर जो कांटों का ताज रखा गया, और उसी समय उसने कहा परमेश्वर जो खून निकले इनके दिमाग से जो पाप चलते हैं, क्योंकि दिमाग से पाप होते हैं, पहले आप यहाँ सोचते हैं फिर जाके बैंक में डाका मारते हैं, पहले औरतें यहाँ सोचती हैं फिर पति को देखती हैं सो रहा है फिर उसकी जेब में से पैसे निकाल लेती हैं, हाँ सही है यहाँ से पाप करते हैं, आज हम बिजली का टांका लगाएंगे घर जाके, ये चर्च में बैठे हैं 80 में से 40% लोग बिजली का टांका लगाते हैं प्रभु बोल रहा है मेरे को, कितने हाथ उठा के बताओ शाबाश, डरो नहीं पुलिस वाले घर नहीं जाएंगे तुम्हारे आपके सामने देखो। और उसके बाद कह रहे एक पाप ऐसा था जो ये हाथ के पाप आप क्षमा कर सकते हैं, आप अपने बच्चे को जो पाप करता है उसको कमरे में बंद कर सकते हैं, लेकिन एक पाप ऐसा है जिसको कोई क्षमा नहीं कर सकता, कहता है वो आपके शरीर का एक हिस्सा है वो आपका मन है, आप मुंह भी बांध सकते हैं, आपने देखा होगा लोग मुंह भी बांध लेते हैं हाथ भी बांध लेते हैं आंखें भी बांध लेते हैं, बापू गांधी ने कहा आंख बंद करो कान बंद करो मुंह बंद करो, लेकिन मन कौन बंद करेगा। और इसी समय उसने कहा, कहता है कि परमेश्वर मैं यहाँ पर जो भाला खाया यहाँ से जो खून निकला उसके खून का जो छींटा जिसने भाला मारा था वो एक आंख से काना था, जब उस पर गिरा उसकी आंख चंगी होगी, कहता है उसकी आंख काणी थी बंद थी वो खुल गई, कहता है। और उसी समय वो दोपहर का टाइम था रात हो गई, वो भविष्यवाणी हुआ था कि मंदिर का पर्दा फट जाएगा और पीछे जो जो मंदिर था
कई किलोमीटर दूर पहाड़ी से वो उसका पर्दा फट गया। सुन रहे हैं? और उसी समय यीशु मसीह ने कहा, हे पिता ये नहीं जानते, इनके पाप क्षमा कर। फिर उसी समय उसने कहा, हे नारी देख तेरा पुत्र कहां। परमेश्वर से बात कर रहा था और कह रहा था परमेश्वर के इन इंसानों के पाप क्षमा कर। परमेश्वर ने कहा, कहता कि ठीक है तूने सारे बलिदान तूने दे दिया, इंसानों के पाप क्षमा करा दिए, लेकिन मैं उसके पाप क्षमा करूंगा जो तेरे ऊपर विश्वास करेगा। ये नहीं आपके दादे चाचा तबो ने गांव का भला किया और जब आप सरपंची में खड़े हुए एक ने भी वोट नहीं दिया। तो कहता कि आज कहता कि सारा ही बलिदान तूने दिया है। कहता अगर जो तेरे ऊपर ईमान लेकर आएगा, कहता मैं पलट कर भी नहीं देखूंगा, उसके गुनाह क्षमा कर दूंगा आज। आमीन। उसके गुनाह क्षमा हो रहे हैं आज। समय जो पहली बार यहाँ आ गए उनके अपराध क्षमा हो गए आज। आमीन। करा आज ही स्वर्ग लोक में मेरे साथ जाएगा। तीसरा उसने कहा, किसको कहा? क्योंकि उसके साथ एक चोर भी एक डाकू भी, क्योंकि जब भी सजा दी जाती थी तीन लोगों को एक साथ दी जाती थी, उसके साथ एक चोर था। और उसने कहा, कह रहा प्रभु यीशु मसीह मेरे पाप क्षमा कर दे। उसने कहा, जा आज ही तुरंत स्वर्ग लोक जाएगा। याद रखना इसका मतलब कि आज वो दिन है, जैसे ही आप क्षमा मांगेंगे तुरंत आपके काम खुल जाएंगे आज। आमीन। कह रहा तुरंत बड़े बड़े काम हो जाएंगे आज यीशु मसीह के नाम में। हर आशीष आपकी होगी यीशु मसीह के नाम में। आमीन। कह रहा फिर उसने कहा कि हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। उसने क्यों कहा इसका मतलब, उसने क्रूस पर और लोग कह रहे थे, कह रहे कि देखो डर गया और कह रहे कि परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। लेकिन उससे पहले वो क्या कह रहा था, वो कह रहा था मैं प्यासा हूँ। नहीं कह रहा था परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। वो ये साइन दे रहा था, अगर परमेश्वर मुझे छोड़ सकता है तो बाइबल पढ़ने वालों घमंड नहीं करना, चर्च आने वाले लोगों घमंड नहीं करना, यीशु मसीह का नाम और तख्ती लगाकर गले में चलने वालों घमंड नहीं करना। यीशु मसीह आपको भी छोड़ सकता है, परमेश्वर आपको भी छोड़ सकता है अगर आप ना सुधरे यीशु मसीह के आने तक। वो रोज रोज आपको एक ना एक दिन मौका देता है, मौका देता है, मौका देता है, अवसर देता है कि आज मेरा बच्चा बदलेगा, आज मेरा बच्चा छोड़ेगा, आज ये गुनाह को छोड़ेगा। अगर आप छोड़ते तो यहाँ पर परमेश्वर को कह रहा था परमेश्वर, क्योंकि जब उसने पूरी दुनिया का पाप ले लिया तो उसको मरना तय था, क्योंकि जो पाप करता है वो मर जाता है संसार में। तो उसको यीशु मसीह को इंसान होकर मरना पड़ा लोगों के सामने, और उसने पूरी दुनिया के पापों को कहता कि कब्र में जाकर करा दफन कर दिया, पाप दफन कर दिया। और यहाँ पर लेकिन उससे पहले उसके बाद क्या कह रहा था, कह रहा कि मैं प्यासा हूँ। और उसी समय उन्होंने क्या किया, उन्होंने उसका मजाक उड़ाया, लोग उसके पास पानी लेकर जा रहे थे, उन्होंने कहा चल हट, इसकी माँ पानी लेकर आई, हट भाई पानी लेकर आया, चल हट। लेकिन लोग पानी ला रहे थे लेकिन वो पिलाने नहीं दे रहे थे सैनिक। लेकिन उसी समय उन्होंने क्या किया, सरकंडा लिया जिसमें वो जो अचार में डालते हैं सिरका, सिरका सिरका लिया और उसके मुंह में डाल दिया, मुंह में। और जैसे ही मुंह में डाला यीशु मसीह ने थूक दिया। उसने कहा देखा, कहता कि मैं इसका नहीं, लोग कह रहे थे लगता है इसको कोड़ा लगा, उसने थूक दिया। उसने कहा मैं इस पानी का प्यासा नहीं हूँ, कहता मैं तो आत्माओं का प्यासा हूँ। हालेलुया। कहता मैं तो उन लोगों का प्यासा हूँ जो आज क्रूस पर बलिदान दे रहे हैं, जो कह रहे हैं कि आज अपने पापों से पश्चाताप कर रहे हैं। जब आप एक पापी व्यक्ति को सुसमाचार सुनाते हैं परमेश्वर की प्यास बुझाते हैं। कह रहा अगर आपने प्यास बुझानी है आप खीरे लेकर जाते हैं भगवान के पास, आप पकोड़े लेकर जाते हैं, दूध लेकर जाते हैं, वो से नहीं बुझती इसकी प्यास। कहता जब आप किसी की भलाई करते हैं, हेल्प करते हैं, उसकी प्यास बुझाते हैं, याद रखना। आमीन। आप किसी गरीब की सहायता करते हैं, आप किसी को पानी पिलाते हैं अधमरे को, कह रहा उसकी हेल्प करते हैं, आप किसी को सुसमाचार सुनाते हैं, फल लेकर आते हैं चर्च के अंदर। कहता कि यीशु मसीह बोलता है इसने मेरी प्यास बुझाई है। कहता कि मैं कहता तेरी प्यास इस साल में बुझाऊंगा यीशु मसीह के नाम में। आपकी गवर्नमेंट जॉब की प्यास बुझेगी, चंगाई की प्यास है बुझेगी, घर बनाने की प्यास है बुझेगी, स्वर के दर्शन करने की प्यास है, यीशु से मिलने की प्यास है, करे बुझेगी आज रात। आमीन। कितनों को दर्शन करना है यीशु मसीह के। हाँ तुम्हें यो 30 मार खा तुम्हें कराएगा। सारे बोलो हालेलुया। आप जब तक इन वचनों में निपुण होंगे वो आपको दर्शन कराएगा। हालेलुया। फिर क्या कहा उसने, बोलते हैं मैं प्यासा हूँ। और उसके बाद उसने कहा पूरा हुआ, क्योंकि उस ठहराया हुआ था कि जब तक वो सिरका ना डाले मुंह में तब तक पूरा ना हो। और इसी समय उसने कहा पूरा हुआ, और उसका मतलब वो बताना चाहता है कि आज पूरी दुनिया में कह रहा सबका ज्ञान अधूरा हुआ, कह रहा सिर्फ जो यीशु मसीह पर विश्वास करता है उसकी स्वर्ग की खोज अधूरी नहीं, पूरी होगी यीशु मसीह के नाम में।
कहता है मुक्ति का मार्ग वो है, एक व्यक्ति 1,24,000 पाप करता है एक दिन में, अगर वो कल मर जाए तो उसको कैसे पता लगेगा 1,24,000 मंत्र पढ़ने से आप आजाद नहीं हो सकते। लेकिन परमेश्वर ने कहा, कहता है कि किसी ने पाप ना किया हो उसको चढ़ाओ। एक व्यक्ति आपके लिए आया संसार में और वो गुड फ्राइडे के दिन कहते हैं लोगों को संकेत मिला, इशारा मिला कि तुम जिसकी खोज कर रहे थे वो मुक्तिदाता यही है, तुम्हारे पाप क्षमा हो गए पूरे हुए आज, आज वो भविष्यवाणी पूरी हुई, आज वो जिस चीज के लिए तुम प्यासे थे वो पूरी हुई भविष्यवाणी आज। कह रहे तुम कह रहे थे कि आज भटकना बंद हो गया, आज कह रहा उन नारियों का, उन माओं का, उन बाप का जो बच्चे शैतान के हाथ में थे, गुलामी में थे, कह रहा पाप में थे, आज तुम्हें कुछ छुड़ाने के लिए आ गया, भविष्यवाणी पूरी होगी आज यीशु मसीह के नाम में। कह रहे कि फिर उसने कहा लास्ट वचन सातवां, उसने कहा मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथ में सौंपता हूँ। हालेलुया। अपने पड़ोसी से पूछो तूने किसके हाथ में सौंप रखी है। परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने मरते वक्त अपनी आत्मा परमेश्वर के हाथ में सौंप दी। आपने किसके हाथ में सौंपी है पूछो। व्हाट्सएप के, गर्लफ्रेंड के। आज आपकी आत्मा इतनी सस्ती होगी आप शराब के ठेके पर खड़े रहते हैं उसको सौंप रखी है। रात को कब मैसेज आएगा, अपनी आत्मा को सौंप रखा, सोने का टाइम है और गर्लफ्रेंड का मैसेज आएगा रात के 12 बजे भी, टन बजे की उठ जाएंगे। पाप के लिए सौंप रखी है आपने अपनी आत्मा, समझ रहे कि नहीं। सोने से पहले पहले नाटक देखते हैं, आ बैल मुझे मार, लटकता खंजर, मौत का कुआं, आहट, डरावनी रात, जंगोली पंगोली, ऐसे ऐसे सीरियल देखते हैं, फिर अपनी आत्मा को पता है शैतान के हाथ में देख के सो जाते, गुड नाइट मम्मा हैं, कहते फिर रात को उनका अगर भूतड़ियां चाटे मारती हैं, उठ, सपने आते हैं, बैड ड्रीम्स नहीं आते हैं। कहता है कि आप अब सोने से पहले बाइबल पढ़ें और परमेश्वर को ये ना कह दें कि परमेश्वर मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथ में सौंप रहा हूं, सोने से पहले मर जाओगे भाई साहब। सिर्फ ये कहना परमेश्वर रात के लिए सौंप रहा हूं, सुबह मैं आनंद के साथ उठूं यीशु मसीह के नाम में। समझ में आया कि नहीं। कह रहा यीशु मसीह मरने से पहले अपनी आत्मा को कहते हैं इस परमेश्वर के सुरक्षित हाथों में सौंप कर गया। आज आपको फैसला लेना है, आपने अपनी आत्मा को किसको सौंप रखा है, कौन से पाप को, कौन से व्यक्ति को, किस पर आपका भरोसा है, माँ पर, बाप पर, मामा बाहर गया है, चाचा बाहर गया, मुझे विदेश ले जाएगा, आपने अपनी आत्मा को किसको सौंप रखा है, जादू टोने वालों के पास, झाड़ा लगाने वाले के पास, ताकत तबीज देने वाले के पास, किसके पास सौंप रखा है। कहता अगर आपने सच्चे ईश्वर के पास सौंप रखा है, कह रहा कि एक दिन कह रास्ता खुलने वाला आपके लिए, यीशु मसीह ने सौंप दिया और पूरी दुनिया को पता लग गया और तीसरे दिन कह रहे यीशु मसीह जी उठा उस कब्र में से। हालेलुया, यीशु मसीह जी उठा। जब बैठ जाओ उधर, और उसी समय कहता है कि याद रखना वो ईस्टर का दिन मनाया जाता है। आज जितने भी किसी ने भी गुनाह किया है मैं कह रहा हूं कि आज आपके पाप क्षमा हो गए यीशु मसीह के नाम में। तो दोस्तों, हमारे परमेश्वर दयालु परमेश्वर है, इसलिए परमेश्वर जितने भी उसकी सामर्थ से अनजान हैं उन सभी के ऊपर दया करें, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं, और सभी को आशीष दें और एक्टर गोविंदा की पत्नी पर भी दया करें। दोस्तों, आपकी इसको लेकर क्या राय है आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। परमेश्वर आप सभी को आशीष दें।